आखिरी बार, आज आखिरी बार है जो मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। एक आखिरी बार, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और बहुत हो गई तेरी मनमानी। रिश्ते में तो तुम मेरे भाई हो, मेरे छोटे भाई। तुझे मालूम है, छोटा भाई वो होता है जो बड़े भाई का हर एक कहना मानता है। लेकिन कभी भी तूने अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाया? कभी भी? मुझे तो याद नहीं कि कभी भी तूने अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाया। लेकिन एक बात बोलूं, मैंने हमेशा हमेशा अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। हमेशा तेरी जिद को माना मैंने, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने में कोई भी कोताही नहीं बरती। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि मेरा तेरे ऊपर इतना भी हक नहीं कि मैं तुझे थप्पड़ मार सकूं। लेकिन उस दिन गलती भी तो तुम्हारी ही थी ना, मजाक में ही सही, लेकिन तूने थप्पड़ खाने वाला ही काम किया था। समझ ले कि मैंने बीच में पड़ के तुझे बचाया था पापा से, क्योंकि पापा का गुस्सा तो तू जानता है। और तू मुझसे ही इतना नाराज हो गया कि उस दिन के बाद से रिश्ता ही तोड़ दिया मुझसे और छोड़ के चला गया हम सबको। आज भी कोसता हूं अपने आप को कि क्यों मैंने उस दिन ऐसा किया तेरे साथ। मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं भाई, बहुत बड़ा गुनहगार। काश कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा काबू कर सकता उस दिन, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया होता तो ना तो तू उस दिन गुस्से से बाहर जाता और ना वो हादसा
तेरे साथ होता। मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर दे, मैं तुझे उस दिन नहीं बचा सका। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा मेरे भाई, नाकाम रहा। बस आज मैं तुझसे ये कहना चाहता था कि ऊपर वाले से कहना कि इसके लिए वो मुझे सजा दे, लेकिन फिर भी ये सोचता हूँ कि उसने तो मुझे सजा दे ही दी है तुझे हमसे छीन के। काश कि ऐसा होता कि कुदरत का कोई करिश्मा होता और ऊपर वाला तुझे फिर से हमारे पास भेज देता एक आखिरी बार।